हेलो नमस्ते बोझुमोय एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं व्लॉग बहुत लेट से शुरू कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं बस में बैठ चुकी हूँ साबरकन जाने के लिए। यह है गार का बस स्टॉप, जहाँ से L40 नंबर की बस चलती है साबरकन जाने के लिए, और प्लेटफॉर्म नंबर है इसका 101। वैसे तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन की प्राइसेस बस से थोड़ी ज़्यादा थी, और साथ में बस पहले पहुंचाती है ट्रेन से। ट्रेन अराउंड 2.5 घंटे लेती है, जहाँ पे आपको ट्रियर में उतर के ट्रेन चेंज करना पड़ता है, और बस डायरेक्टली आपको 1.5 घंटे में पहुँचा देती है। साथ ही साथ अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूँ तो बस में अराउंड 8 to 9 यूरो लग गए थे हमें एक जन के आने जाने के, और ट्रेन में लग रहे थे अराउंड 15 से 16 यूरो आने जाने के। तो इसलिए हमने बस चूज़ किया, और बस काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। तो अगर आप चाहो तो आप पे डिपेंड करता है। गार स्टेशन के अंदर से आप टिकट्स ले सकते हो, और यहाँ हम पहुँच गए हैं साबरकन के बस स्टैंड में। कुछ ऐसा दिखता है बस स्टैंड, और यहाँ की ट्रैम्स काफ़ी कलरफुल है। बस स्टैंड के जस्ट पास में, बस बगल में ही ट्रेन स्टेशन है, तो अभी हम वहाँ जाके देखेंगे कि ये ट्रेन स्टेशन गार से कितना डिफरेंट दिखता है। और एक बात बताना चाहूँगी, पर्पस था मेरा वीडियो बनाने का कि मैं आपको साबरकन का सिटी और कंट्री साइड दोनों दिखा सकूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिटी में वॉक करते वक्त इतना टाइम लग गया कि हम कंट्री साइड या कोई अच्छी जगह और भी अच्छी जगह जा नहीं पाए। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक सिटी वॉकिंग टूर जैसा ही होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी साबरकन। इतनी कड़ी धूप और दूसरे लोगों को आइसक्रीम खाते देखकर मेरा भी मन ललच गया आइसक्रीम खाने का। तो मैं यहाँ रास्ते में इस शॉप में आई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ आइसक्रीम लग्जमबर्ग से थोड़ी सस्ती ही है। इस जगह का नाम है बेनहॉफस्ट्रास, जो कि बस स्टैंड से काफ़ी नज़दीक है। 2 से 3 मिनट आप अगर आगे वॉक करोगे तो आपको ये एरिया दिखेगा, जहाँ लाइन से स्टोर्स दिखेंगे आपको। अगर तो आप साबरकन आए हो और आपको शॉपिंग करनी है, तो आप ये प्राइमार्क मॉल ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे कपड़े, जूते और बाकी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर रिटेल स्टोर्स। यहाँ मैं जर्मनी और लक्जमबर्ग दोनों की बात कर रही हूँ। फ्रेश टी शॉप, मैं ही जाके बना दूँ क्या चाय इधर? अच्छा, जब प्राइमार्क से एंटर करके आप दूसरे तरफ से निकलोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा, एकदम नदी के किनारे। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और धूप भी अच्छी खासी कड़ी है। अब प्राइमार्क से निकल के हम एक पार्क की तरफ जा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिखी अभी, वो थिएटर है, और पार्क काफ़ी नज़दीक ही है। यही है वो पार्क जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, जो कि प्राइमार्क से काफ़ी नज़दीक है। चलिए आगे जाके आपको पूरे पार्क का टूर कराती हूँ।
इधर नदी है और ये है बोट, और इधर फूड ट्रक जैसा, फूड बोट कह लो वैसा लगाया हुआ है। यहाँ भी शायद एक आध ट्रक लगे थे पर अभी बंद है। पार्क के बाद बस स्टैंड की तरफ लौटते वक्त हमें ये दुकान नज़र आई जहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, मोस्टली मिडल ईस्टर्न मिठाइयाँ और चीज़ें थी। अंदर जाके अभी मैं आपको डिटेल में सारी मिठाइयाँ और चीज़ें दिखा। अब हमारे वापस लग्जमबर्ग जाने का वक्त हो गया है, 8 बज गए हैं और 8:30 पे हमारी बस यहाँ से चलेगी लग्जमबर्ग के लिए। वो वहाँ खड़ी है बस। आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच जिन्होंने आखिरी तक ये व्लॉग झेल लिया है, और मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी कुछ नए कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।